बिहार से 8 मंत्री इस बार नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल है, लेकिन जिस बड़े विभाग की उम्मीद की जा रही थी वो बड़ा विभाग अभी तक नहीं मिला है। इस बात की उम्मीद थी कि इस बार बिहार के पास रेल मंत्रालय आएगा। जेडीयू कोटे के मंत्री बने ललन सिंह को ये मंत्रालय मिलने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि बिहार की पार्टियों को गठबंधन के तहत ये विभाग मिलता रहा है। नीतीश कुमार भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं, वहीं लालू यादव को भी यूपीए की सरकार में रेल मंत्री बनाया जा चुका है। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में सीट लाने वाले, सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को रेल मंत्रालय का विभाग नहीं मिला है। इससे अब चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार ये विभाग पाकर जो मिला है ललन सिंह को, उससे अच्छा महसूस कर रहे हैं? क्या रेल मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग नहीं मिलने से उन्हें निराशा हाथ नहीं लगी है? क्या वो फिर से पलटी मारेंगे? आपको बता दें कि इस बार भी रेल मंत्रालय का जिम्मा अश्विनी वैष्णव को मिला है। बता दें कि इनके कार्यकाल में बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, रेलवे कवच सिस्टम को लेकर भी सवाल उठे थे। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ये मंत्रालय गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने वाली पार्टियों को मिल सकता है, लेकिन भाजपा ने ये मंत्रालय अपने पास ही रखा है। देखा जाए तो बड़े मंत्रालय जैसे कि गृह, रक्षा, वित्त, रेलवे जैसे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय भाजपा ने अपने पास ही रखे हैं, और अब इसको लेकर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि भारी बेइज्जती है ये। देखिए, आपको बता दें कि इस बार बिहार के 8 सांसद मंत्री बने, उन्हें कौन कौन सा पद मिला एक बार फिर से जान लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है, चिराग पासवान युवा एवं खेल मंत्रालय, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग विभाग मिला है, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय मिला है, पशुपालन और मछली पालन भी इनके पास है, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है, नित्यानंद राय को फिर से गृह राज्य मंत्री बनाया गया, रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया, राजभूषण निषाद को जल शक्ति राज्य मंत्री, सतीश चंद्र को कोयला एवं खान राज्य मंत्री का पद मिला है। आपको क्या लगता है, ये मंत्रालय का बंटवारा ठीक हुआ है? क्या इससे गठबंधन दल के नेता खुश होंगे? क्या नीतीश कुमार इसे संतुष्ट होंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।